Good morning, students. Myself, Junaid Ahmed. Today, now we are going to start the new condition of lesson 3, investment fluctuation reserve. यहाँ पर बेटा हमने पहले worker compensation reserve की conditions को discuss किया, उसके बाद उसके एक question को solve किया. अब हम यहाँ पर जो discuss कर रहे हैं वो investment fluctuation reserve को discuss कर रहे हैं. इसमें कई कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो जनरल एंट्रीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि हमें कौन सी जनरल एंट्री किस कंडीशन में ट्रांसफ़र करनी है. तो बेटा पहली कंडीशन है आपकी बुक वैल्यू उसने कहा है कि जब बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होगा तब आप एंट्री क्या करेंगे. तो आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपका ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर हैं उनके यहाँ पर जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल. ठीक है, उसके बाद डिवाइड रेशियो में किया जाए. यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपनी एंट्री को. उसके बाद उसने कहा है दूसरी कंडीशन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वो अगर बुक वैल्यू से कम हो. सेकंड कंडीशन आप देखिएगा, investment fluctuating reserve.
कम होती है इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स है तो आप क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू पार्ट प्लस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट देखने के लिए है कि यहाँ पर आप बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू जब आप इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को शो करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में तो आप बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे तब आप इसको अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे Dividing old ratio. अब बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात हो गई इन्वेस्टमेंट में कौन से अमाउंट जाएगी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू लेकिन टू पार्टनर्स के अपने अकाउंट के अंदर क्या आएगा जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम आ जाएंगे टू पार्टनर ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल और वो डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में यानी कि पार्टनर की जो ओल्ड रेशियो है उसके अंदर आप डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट अराइज होता है इसी कंडीशन के अंदर बी पॉइंट यहां पर बी पॉइंट में कहा गया है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू आई एफ आर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर बुक वैल्यू के फॉल होना जो है उसकी जो बुक वैल्यू है वो इतनी है जितना के आई एफ आर की है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री आप करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट ये आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन अराइज हो रही है फॉल इन द वैल्यू तीसरी कंडीशन क्या है अभी हम पढ़ते हैं फॉल इन द वैल्यू सी पॉइंट फॉल इन द वैल्यू is more than IFR investment fluctuation reserve। इस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है अब यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप बताइए थर्ड कंडीशन जो उसने कही है यहां पर वो कहा है मार्केट वैल्यू
of investment is more than book value. अब इसमें आपकी दो एंट्री पास आउट होंगी when market value is of investment is more than book value. अब यहाँ पर पहली एंट्री जो होगी वो आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एफडी अकाउंट टू पार्टनर्स एफडी अकाउंट. उसके बाद दूसरी एंट्री जो होगी बेटा वो आपकी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन. देखिए ये जो आपका आएगा ये इन ओल्ड रेशियो पार्टनर कैपिटल जो होगी है ए पार्टनर बी पार्टनर सी पार्टनर वो हमेशा ओल्ड रेशियो में आएगी. और ये जो आपका है ठीक है ये आपका आएगा वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मार्केट टू मार्केट वैल्यू. ये इसमें ठीक है यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो है आपकी कंडीशंस सब डिस्कस हो चुकी और एक इसके साथ साथ एक कंडीशन और हम यहाँ पर शो कर सकते हैं. तीसरी कंडीशन भी हमारे यहाँ शो होती है उसको आप यहीं पर देखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसलिए है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये बेटे आपकी एंट्री यहां पर लास्ट हो गई ठीक है. और ये पार्टनर कैपिटल है ये भी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड ठीक है. तो यहां आपको मैंने तीन कंडीशंस शो की हैं आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की और हर कंडीशन के अंदर जो है वो आपकी अलग अलग एंट्रीज दी गई हैं. आप उनको समझिए पढ़िए याद कीजिए और उसके बाद हम जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए.